ठंड का प्रकोप अब धीरे धीरे परवान चढ़ते जा रहा है और मौसम विभाग के अनुसार 5 दिसंबर से बिहार में ठंड लगातार अपना चरम और सीमा दिखाते जाएगा और बढ़ाते जाएंगे। लेकिन इस ठंड में जो फुटपाथ पर सोने वाले लोग हैं या जो यात्री हैं जो बाहर से आते हैं उनको होटल नहीं मिलता है तो उनको सरकार की तरफ से अस्थाई व्यवस्था किया जाता है रैन बसेरा का। अभी हम मौजूद हूँ गांधी मैदान के पास, गांधी मैदान होटल मोरिया है। यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से कह सकते हैं या पटना नगर निगम की तरह कह सकते हैं कि यहाँ पर अस्थाई सेवा बनाया गया। देखिए यहाँ पर बेड दिया गया है और बोर्ड पे हम आपको दिखा रहे हैं कि निःशुल्क अस्थाई आश्रय स्थल, जिसमें ठंड के मौसम में 24 घंटा टेंट है, कंबल है, चादर है, तकिया है, गद्दा है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध है। और ये नगर निगम का बोर्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या व्यवस्था है हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर यही व्यवस्था है, कंबल है, तोशक है, तकिया है, लेकिन इसके ऊपर बेडशीट नहीं है। तो आखिर नगर निगम की तरफ से जो पटना में लगभग 17 जगह पे रैन बसेरा का जो अस्थाई रैन बसेरा है उसको शुरू कर दिया है ठंड के प्रकोप को देखते हुए, लेकिन मौर्या होटल के पास जो रैन बसेरा बना हुआ है यहाँ पर व्यवस्था तो किया गया है लेकिन कितनी की संख्या में है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो यात्री हैं जो बाहर से आए हुए हैं लोग, देखिए महिला है, बच्चा है और कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ का जो केयर टेकर हैं उनसे हम बात करते हैं। रैन बसेरा बना दिया गया है, आपको जो बोर्ड है उस पर कई तरह का सामान है, लेकिन आपके यहाँ क्या क्या मौजूद है? अरे आज शाम तक सब चला आएगा, वैसे अभी पानी नहीं है, डस्टबिन नहीं है, चादर वगैरह नहीं है, पानी नहीं है, डस्टबिन नहीं है। आपकी ड्यूटी यहाँ पर कब से लगी है? दो दिन पहले से। क्या कहा गया है? बस लेटर निकला है, जाइए ड्यूटी के। लेटर निकला है तो आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, जो लोग आ रहे होंगे अभी कितनी की संख्या में, आपके पास रजिस्टर होगा ये भी दिखाइए हमको। देखिए जो सरकार की तरफ से जो रखा गया है लेटर, जो यहाँ पर यात्री आएंगे या जो लोग ठहरने के लिए आएंगे अस्थायी रूप से उनका आधार कार्ड लिया जा रहा है। यहाँ पर तो हम ये दिखा रहे हैं कि आधार कार्ड जो लोग आए हैं उनका आधार कार्ड का फोटोकॉपी लिया गया है, ये जनूनन है। मान लीजिए कि हम कहीं कोई यात्री बाहर से आते हैं किसी भी तरीके का क्राइम भी करके आते हैं तो आधार कार्ड रहेगा तो उससे पकड़ाया जा सकता है। लेकिन आप जो सरकार के तरफ से आपको नगर निगम की तरफ से एक रजिस्टर दिया गया होगा जिसमें आधार कार्ड के अलावे उनका नाम मोबाइल नंबर मेंशन करना है, वो है आपके पास? वो अभी नहीं, वहाँ शाम तक सब चला जाएगा। शाम तक आपके पास शाम तक क्या क्या आ सकता है? टोटल जितना भी है अभी छोटा हुआ, मतलब डस्टबिन, पानी वगैरह, टेबल और रजिस्टर वगैरह सब आ जाएगा। इस रैन बसेरे का उद्घाटन हो चुका है? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं हुआ। तो आखिर ड्यूटी कैसे लगी, ये लोग कैसे पहुंच रहे हैं? तो अब आ रहे, जा रहे, रह रहे हैं और आ रहे हैं, रह रहे हैं, मतलब ये है कि कोई भी आके रह सकता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार अभी नहीं उठाएगी ऐसा देखिए ये जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं इनको केयर टेकर के रूप में यहाँ रखा गया है। CCTV की व्यवस्था है, आपको हम दिखा रहे हैं, गेट पे देखें, आपको कॉर्नर में देखिए CCTV की व्यवस्था है। ये बहुत अच्छा संकेत है, यदि कोई भी लोग यहाँ पर आते हैं या कोई भी महिलाएं आती हैं तो उनके साथ किसी भी तरीके से कोई दुर्व्यवहार होता है या अनहोनी भी होती है तो इस CCTV के माध्यम से उसको पकड़ा जा सकता है। कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम आप यहाँ आई हैं, कहाँ से आई हैं? बिहार शरीफ। हाँ, क्या चीज़ के लिए आई थी पटना? पटना नहीं, ट्रेन नहीं आया ना, बम्बई जाने के लिए। अच्छा, ट्रेन नहीं था। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर रैन बसेरा है? ओ, बस वाला बताया। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है
अब सही अच्छा लग रहा है यहाँ पर व्यवस्था के लिए है? पानी का व्यवस्था है आपके पास? नहीं, पानी नहीं है? नहीं, पानी नहीं है। और क्या क्या नहीं है? अभी खाली वही बिस्तर है, पानी नहीं है, खाना उना हर चीज़ सब कुछ भी नहीं है। देखिए ये जो महिलाएं हैं बाहर से आई हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन इनको सिर्फ बेड की व्यवस्था दी गई है। लेकिन यहाँ पर महिलाएं, हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा यहाँ के जो लोग हैं, केयर टेकर हैं, उनकी जिम्मेवारी है। और जो केयर टेकर के ऊपर भी जो अधिकारी हैं, ये CCTV माध्यम से वो कंट्रोल करते हैं कि किसी भी तरीके से अनहोनी होगी तो वहाँ से देख के केयर टेकर को बताया जाएगा। लेकिन अभी केयर टेकर के पास और हम बात करेंगे कि देखिए, अब उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि जेब कतरों से सावधान, CCTV की व्यवस्था, धूम्रपान निषेध ये नहीं करना है, पेयजल की व्यवस्था करनी थी, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था यहाँ पर बोर्ड दिखा दिया गया है, लेकिन ये बोर्ड तो सिर्फ रखा गया है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर लगभग 30 बेड का बनाया गया है, आपके पास अभी कितना बेड मौजूद है? अभी टोटल 20 है। 20 है, 10 और आने वाले हैं। 10 कहाँ पे हैं? 10 और आने वाले हैं, अभी आए नहीं। और आने वाला है। यहाँ पर महिलाओं को अलग रहने की व्यवस्था है या साथ में? नहीं, अलग रहने की व्यवस्था, यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, महिला एक तरफ, जेंट्स एक तरफ। नगर निगम की तरफ से अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है। एक विजुअल हमने आपको दिखाया गांधी मैदान के मौर्य होटल के पास, जहां पर व्यवस्थाएं तो कुछ थी लेकिन वहां लोग नहीं थे। लेकिन यहां पर लोग हैं, व्यवस्थाएं कुछ नहीं हैं। वहां पर हमने आपको दिखाया कि बेड सीट नहीं थी, कमी थी, CCTV था, लोग नहीं थे। लेकिन यहाँ पर लोग हैं, CCTV नहीं है। एक, आप यहाँ के केयर टेकर हैं, क्या क्या व्यवस्था है? व्यवस्था है, पानी की है, अग्निशमन यंत्र है, CCTV कैमरा भी है, मगर अभी लगा नहीं है। कब उस यहाँ से आपका ड्यूटी है? आज से तो हम अभी आईबे किए हैं सुबह मॉर्निंग में। अब देखिए कल से क्या दिन से चालू है? ये तो हो गया 2-3 दिन से स्टार्ट है। स्टेशन के नज़दीक है, इतने लोग आ रहे हैं, व्यवस्था सुरक्षा के नाम पर क्या है आपके पास? हो जाएगा, सब हो जाएगा। हो जाएगा बोले वो तो। हाँ, अब तो सर आ जाइए कि अब देखिए क्या होता है, करेंगे ही, लगवाएंगे। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है CCTV का, पानी पीने की व्यवस्था, अग्निशमन यंत्र, और महिलाओं के लिए भी रहने की व्यवस्था। हाँ, आपके पास यहाँ पर क्या है? मेरे पास तो अभी अवेलेबल कुछ नहीं है। कुछ नहीं? नहीं। तो देखिए, ये जो केयर टेकर हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मेरी ड्यूटी आज सुबह से लगी है, लेकिन पिछले 3 दिनों से ये रैन बसेरा चालू है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि नगर निगम बिना किसी भी सुरक्षा के मद्देनज़र, या जो यहाँ पर यात्री हैं उनकी सुविधाओं के मद्देनज़र कोई भी ख्याल नहीं रखा गया है, तो आखिर नगर निगम किस बात का राह देख रही है कि यदि किसी भी तरीके का अनहोनी हो तो वो यहाँ पर सुरक्षा मुहैया करवाएगी, या किसी भी तरीके का कुछ भी हो तो नगर निगम क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो हमने आपको रियलिटी दिखाया कि पटना नगर निगम की तरफ से उद्घाटन तो कर दिया गया है, पटना में 17 जगह पर अस्थायी रैन बसेरा बना दिया गया है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनके सुरक्षा के नाम पर किसी भी तरीके का कोई गारंटी नगर निगम न ही सरकार लेगी, तो इसका जवाब कौन देगा, देखना होगा। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।